फिल्मों पर टिप्पणी कर बुरे फंस गए राहुल गांधी, भाजपा बोली आपको अदालत तक घसीटेंगे। अमेरिका के 3 दिवसीय दौरे पर गए विपक्ष के नेता राहुल गांधी भाजपा और आरएसएस पर जमकर हमला बोल रहे हैं। राहुल कई ऐसे कार्यक्रम में मोदी सरकार की कमियों को भी गिनाते दिखे हैं। इसी बीच राहुल ने सिखों को लेकर एक टिप्पणी की है जिस पर बवाल मचा है। भाजपा ने भी उस पर कड़ा एतराज जताया है। सिखों पर दिए राहुल के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा ने कांग्रेस नेता को चुनौती दी कि उन्होंने वर्जीनिया में सिखों के बारे में जो कुछ भी कहा है उसे भारत में दोहराए। फिर वे विपक्ष के नेता के खिलाफ मामला दायर करेंगे और उन्हें अदालत तक घसीटेंगे। भाजपा नेता आरपी सिंह ने राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि दिल्ली में 3000 सिखों का नरसंहार किया गया और यह तब हुआ जब कांग्रेस सत्ता में थी। आरपी सिंह ने कहा कि दिल्ली में 3000 सिखों का कत्लेआम किया गया, उनकी पगड़ियाँ उतारी गई, उनके बाल काट दिए गए, उनकी दाढ़ी मुंडवा दी गई। राहुल गांधी यह तक नहीं कहते कि यह सब तब हुआ जब कांग्रेस सत्ता में थी। मैं राहुल गांधी को चुनौती देता हूँ कि वे सिखों के बारे में जो कह रहे हैं उसे भारत में दोहराए और फिर मैं उनके खिलाफ केस दर्ज कराऊंगा, उन्हें अदालत तक घसीटूंगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की याद दिलाते हुए कहा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के नेता थे तो उन्होंने कभी देश की छवि खराब करने की कोशिश नहीं की। चौहान ने कहा कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता, विपक्ष का पद जिम्मेदारी वाला पद होता है। पहले सोमवार को वर्जीनिया में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि लड़ाई इस बात को लेकर है कि क्या एक सिख को भारत में पगड़ी पहनने की इजाज़त दी जाएगी, क्या वह गुरुद्वारे में जा सकेगा। राहुल ने कहा कि सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि लड़ाई किसके बारे में, लड़ाई राजनीति के बारे में नहीं है, यह सतही है। आपका नाम क्या है, लड़ाई इसके बारे में है कि क्या एक सिख के रूप में उन्हें भारत में पगड़ी पहनने की अनुमति दी जाएगी या एक सिख के रूप में उन्हें भारत में कड़ा पहनने की अनुमति दी जाएगी या सिख गुरुद्वारा जाने में सक्षम होगा, यही लड़ाई है और सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि सभी धर्मों के लिए है। लगातार खबरों पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, द हेडलाइंस न्यूज।